मीरा भाईंदर में पुलिस भर्ती को लेकर मचा बवाल, बारिश बनी विलन। पानी के जल भराव में शारीरिक परीक्षा में आ रही अड़चन, विद्यार्थियों ने मैदान के सामने सड़कों पर बैठ जताया विरोध। आमची मागणी एवढी आहे की आता पावसाळा चालू आहे, भरती केली तरी मुलांचा ग्राउंड निघणार नाही, कारण मुलांचा ग्राउंड निघणार नाही, कारण अख्खा तुम्ही ग्राउंड बघा, अख्ख्या ग्राउंड वरती चिखल आहे, अख्ख्या पाय मध्ये फसतात, त्यांनी मध्ये पिकअप नेली तरी पण ती पिकअप फसली मध्ये, ते काढायचा प्रयत्न करत होते, कारण तुम्ही ग्राउंडला उतरले तर ग्राउंड होणार नाही। माझं फक्त एवढीच मागणी आहे की पावसाळा संपू द्या मग भरती घ्या, कारण पावसाळा संपन ग्राउंड सुकवेल, मुलं ग्राउंडवर उतरतील, काहीच अडचण होणार नाही त्याला पळायला, कारण मुलं इथले जवळचे नाही, मुलं लांब लांबून आलेले आहे, मुलांनी पैसे खर्च केलेले, तुम्ही मुलांना बोलून घेता या तारखेला, पण त्याचे आले का डॉक्युमेंट चेक करताय, म्हणताय जा तुम्ही एक तारीख देताय, जा त्या तारखेला, परत त्या तारखेला, म्हणजे आज मुलं आलेले, त्यांना 26 तारखेला आले, परत पाऊस पडला, परत मग कोणती डेट देणार तुम्ही, परत पुढची जाणार का, म्हणजे पैसा काय, त्याच्या आईबापांना काय करायचं, कर्ज काढायचं फक्त पोरांना द्यायचं आणि आत्महत्या करायची, एवढंच का, कारण सगळे गरीब घरातले मुलं आहे आणि काय काय मुलं पार्ट टाइम जॉब करून भरती करतात। तर फक्त माझी मागणी एवढी आहे, पावसाळा संपू द्या आणि मग भरती घ्या, काहीच अडचण नाही। मावून आलो, आम्हाला यायला इथे 2 दिवस लागतात, म्हणजे संध्याकाळी बसलं तर इथे सकाळीच येऊन पोचतो आम्ही, आणि इथे म्हणजे कसं पाण्या पावसाचे दिवस आहे, आणि एक तर यांनी युनिफॉर्मही नाही केलं की पाणी येणार आहे काय येणार आहे भरती पुढे लांबवणार आहे, इथे आल्यावर माहीत पडते की ग्राउंड ओला आहे, सगळ्या काही इथे वाटर होऊन आहे, आणि आपल्याला कसं 1600 मीटर धावायचं राहते, हे राहतं आम्ही सगळी प्रॅक्टिस करून येतो, इथे आल्यावर माहीत होते की डेट पुढे ढकलणार आहे पाण्यामुळे, आणि आपले शूज ओले झालेच आणि आपल्या 1600 मीटर धावताना आहे, 100 मीटर धावताना आहे, त्याच्यामुळे आपलं फिजिकल कमी बसते, फिजिकल कमी, बाहेरचं खाणं हे ते, त्याच्यामुळे आपलं फिजिकल कमी बसल्यामुळे आपलं इथे मार्क्स कमी पडल्यामुळे पेपर आपण इथेच कटून जातो, पेपरला एलिबिजन होऊच शकत नाही, त्याच्यामुळे आपलं काही ना काही कुठे ना कुठे प्रॉब्लेम होतो, याच्यामुळे आपली नेशा खूप वाढत जात असते। वाढणी हेच आहे की 2 महिन्यानंतर हे सगळं ग्राउंड सुकणं झाल्यानंतर आमची भरती घ्यावं, कारण की काही दिवसानंतरच आमची दुसरी फिजिकलची डेट येणार आहे। सर आम्ही पोलीस भरतीसाठी आलतो सर, तर आमचं ग्राउंड 20 तारखेला होतं, तर मी घरून 18 तारखेला निघलो होतो, म्हणजे 1 दिवस रेस्टसाठी, तर मीरा भाईंदर तिथे मी 19 तारखेला पोचलो, आणि पोचल्यानंतर असं कळलं की पावसामुळं 19 तारखेंच्या विद्यार्थ्यांचं ग्राउंड हे मोर ढकललं गेलं, तर आम्हाला हा प्रश्न पडला की आमचं 20 तारखेचं ग्राउंड आहे तर त्याचं काय होणार, आता 20 तारखेचं जे ग्राउंड होणार आहे तर ते पावसामुळं जे आता 19 तारखेला जो परिणाम ग्राउंडवर झालेला आहे त्याच परिणामावर त्याच ग्राउंडच्या ह्याच्यावर आम्हाला 20 तारखेचं ग्राउंड द्यावं लागणार आहे, तर त्याच्याबद्दल फक्त शासनाला एवढीच मागणी आहे की ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलली पाहिजे। आपको बता दे मीरा भाईंदर में आयोजित पुलिस भर्ती शिविर में 8000 से अधिक नौजवान युवा और युवतियां हिस्सा ले रहे हैं, 231 खाली पद पर नियुक्ति की जानी है, लेकिन आज बारिश होने के कारण परीक्षा कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। भर्ती के लिए आए आवेदकों ने इसका कड़ा विरोध जताया। महाराष्ट्र के अलग अलग गांव से आए विद्यार्थियों ने इसे आर्थिक और मानसिक परेशानी बताया। 19 से 25 जून तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए MBBB पुलिस आयुक्तालय के सह पुलिस आयुक्त श्रीकांत पाठक ने जल्द ही उचित मार्ग निकालने की बात कही। तो पुलिस रिक्रूटमेंट का आज पहला दिन था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जोर से बारिश हुई है, उसके कारण जो 100 मीटर्स और शॉर्टपुट का जो ग्राउंड था वहाँ पानी जमा होने के कारण वहाँ फिजिकल टेस्ट लेना उचित नहीं था, इसलिए हमने, और डायरेक्शन भी ऐसे ही थे कि अगर कुछ नहीं है तो उनको नेक्स्ट डेट दी जाए, तो हमने सिर्फ आज उनका पेपर वेरिफिकेशन और उनका चेस्ट हाइट और बायोमेट्रिक इतना ही किया है, और आज के जो उम्मीदवार थे उनको 26 तारीख हमने दी है। अभी ग्राउंड के लिए हम वी आर ट्राइंग की बेस्ट की सब वाटर प्रूफ किया जाए, हम वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है और ग्राउंड तैयार करने का भी काम हम कर रहे हैं, जब ग्राउंड परफेक्टली तैयार हो जाएगा तभी हम उनका फिजिकल लेंगे। सबको बोला है हमने, इसके पहले भी सबको मैसेज भी दिया है कि जिसकी भी डेट क्लैश होती है हम उनको डेट चेंज करके देंगे, उनकी सिर्फ पुलिस भर्ती नहीं दूसरी भी कोई एग्ज़ाम रहेगी, ग्राम सेवक रहेगी, किसकी और एग्ज़ाम रहती है, अगर उनका डेट क्लैश हो रहा है तो हम उनको दूसरी डेट देंगे, उसमें कोई मैं किसी को चांस नकारा नहीं जाएगा, ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। और दूसरी कभी कभी नेचुरल कैलेमिटी भी रहती है, घर में कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो उसके कारण भी कभी कभी आ नहीं पाते, तो भी हम उनको एडजस्ट करेंगे। हम इनकी दिक्कत बहुत लाजमी है, इनके प्रॉब्लम्स बहुत सही है। एक प्रॉब्लम था कि उनकी कैपेसिटी वो नहीं रह जाएगी, एक तो आपको पता है ग्राउंड गीला हो उस पर कितना भी वाटरप्रूफिंग किया जाए, कितना भी भूसा डाला जाए, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, तो वो टेस्ट का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो अदरवाइज एक कोरे ग्राउंड पे आता है।
दूसरा ये बच्चों को, आज के बच्चों को डेट दे दी गई है उनके मेजरमेंट्स वगैरह लेके कि आपको बताया जाएगा कब, यानी उनके खर्च डबल हो गए। आज आए हैं ये बच्चे, सब गरीब घर से है, जलगांव लातूर ऑल ओवर महाराष्ट्र से आए हैं, अब उनको आने जाने के खर्च को दोबारा करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्होंने 5 जगह फॉर्म भरे हैं जो प्रशासन के अनुसार भर सकते हैं, तो बाद की डेट, आज की तो इनको पता थी कि आज हमारी ये डेट है और हमें यहाँ टेस्ट में जाना है, लेकिन बाद की दो डेट अगर एक साथ आ गई तो कौन सी टेस्ट में जाएंगे, यानी उनकी एक अपॉर्चुनिटी और कम हो गई। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, इसलिए ज़रूर सरकार ने इस बारे में विचार करके 2 महीने बाद इनके भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लास्ट 2-2.5 महीने से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी क्योंकि इलेक्शन का पीरियड चल रहा था और पॉसिबल नहीं हो रहा होगा उनके लिए ये भर्ती की प्रक्रिया, लेकिन जब इतना रुके हैं तो 2 महीना और रुक के इन बच्चों को एक ही बार में उनके अनुसार, यानी खर्च ना हो, उन वो अपना बेस्ट दे सके, क्योंकि अब ये सीज़न ऐसी होती है कि 3 दिन 4 दिन अगर ये बाहर का खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो शायद उनको वो मार्क्स मिलने में कहीं ना कहीं ये उनका डर है कि हम अभी तो कैपेबल है, लेकिन 3 दिन अगर हम एक्सरसाइज और खाना बाहर का होता है तो उसके बाद हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं, हमारा वो जो परफॉर्मेंस है वो कहीं कम होता है तो मार्क्स हमें कम मिलेंगे, और डर ये रहता है कि अगर उनके 10 दिन बाद आने वालों को एकदम कोरा ग्राउंड मिला तो ये कैपेबल होते हुए भी अपनी अपॉर्चुनिटी खो देंगे, और इसीलिए इनका 2 महीना बाद ये प्रक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। इनसे मिलो तब इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आते हैं, शायद हम ये छोटी छोटी बातें नोटिस नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुछ गलत चाहते थे, उनके हिसाब से उन्होंने सही किया कि 2-2.5 महीने से रुकी हुई प्रक्रिया को शुरू करवा देते हैं, लेकिन आज जब ये प्रैक्टिकली ऐसे प्रॉब्लम देख रहे हैं तब मालूम होता है कि ये प्रक्रिया को 2 महीने बाद होना बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी।